अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प, और जागरूकता हथियार है। अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प, और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। कैंसर भगाओ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमें निरंतर आपके खत, आपके ईमेल्स और आपके एसएमएसेस मिल ही रहे हैं, जो कि बहुत ही उपलब्धि है हमारे लिए। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं वर्ल्ड फेमस ऑन्को सर्जन डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी जी, जो हमें प्रेरणा देते ही रहते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं, बल्कि लड़ने लायक बीमारी है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह हम लेने जा रहे हैं अपने खतों का सिलसिला। ये हमें क्वेश्चन पूछा है कोलकाता टीटागढ़ से मानिक शाह जी ने। वो कहते हैं कि उनका बेटा लगभग पिछले 3 सालों से गुटखे का सेवन कर रहा है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में वो अपने दोस्तों के साथ रहता है तो अब उसे आदत पड़ गई है। अब इस गुटखे की आदत को छुड़ाना इनके माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आजकल के यंग बच्चे वैसे भी बड़े शौकीन और एक ट्रेंडी या फैशनेबल कह लीजिए, या एक स्टेटस सिंबल कह लीजिए कि उस वो गुटखा खा रहा है तो मैं भी खाऊं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, किस हद तक ये सही है? एक्चुअली होता क्या है, जो हम देखते हैं उसको अपनाते हैं, और अगर आप देखेंगे टीवी पर, या अगर आप देखेंगे कोई मूवी में, या अगर आप देखेंगे कोई गेम में, स्पोर्ट्स में लगा है कोई स्टिकर, एडवर्टाइजमेंट्स, और अल्टीमेटली एक फॉल्स इमेज दिया जाता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, यंग जनरेशन को, फ्यूचर इंडिया को, कि भाई जो जिसने सिगरेट पकड़ा, जैसे कि उसने कुछ कर दिया, कुछ बड़ा काम कर दिया, कुछ अचीव कर दिया। ये जो फॉल्स इमेज जो बन जाती है एक बच्चे में, एक स्टूडेंट में, कि भाई वो सोचने लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, जब आपको पता है कि वो कुछ कर नहीं रहा है, बल्कि बर्बाद हो रहा है। ये होता क्यों है? ये जो हाइप की गई है, जो दिखाया जाता है कि भाई इट इज़ अ साइन ऑफ सक्सेस, इट इज़ अ साइन ऑफ प्रोस्पैरिटी, वो चीज़ क्या करती है, बच्चे को लगता है कि भाई ये कुछ और, कोई डिप्रेशन में, कोई सोसाइटी में, कोई इस वजह से उसको लत लग जाती है। टबैको के अगर मैंने जो कारण बताए हैं, जो बीमारियां उससे होती हैं, सिर्फ बीमारियां होती नहीं है, बीमारियां के बाद जब वो तड़प तड़प के, जब वो सांस नहीं ले पाता है, खास खास के पब्लिक मीटिंग, इम्पोर्टेंट प्लेसेस, बच्चों से, परिवार से दूर उठ के, ऑफिस आवर से बाहर निकल के, स्कूल से कोई क्लास लेते लेते बाहर जाके, कोई ऑपरेशन करते करते बाहर जाके, उसको 2 मिनट निकालने पड़ते हैं सिगरेट पीने में, गुटखा खाने के लिए, और उसके जो खाने से पीने से जो दिक्कतें आती हैं, जैसे कि अगर हम चू करने वाला लें तंबाकू, मुंह की हालत क्या हो जाती है, दांतों की हालत क्या होती है, कोई पास में खड़े नहीं हो पाता है, कोई भी जाता है तो पहले मुंह पे हाथ लगा लेता है जब भी आप बात करते हो, कोई आपके पास लाना नहीं चाहता है आपको, और परिवार में बच्चों से क्या जवाब दोगे आप? और देखिए, आप अपने बच्चे के लिए या अपने दोस्तों के लिए आप एक हीरो हो, जो आप करोगे, जो एज अ ग्रैंडफादर, फादर, एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर, वही सामने वाला सीखेगा,
वही उसको अपनाएगा। बोले यार डॉक्टर तो देखो इतना पीता है, इसको कुछ नहीं है, इसको डर नहीं है क्या? देखो जो करेगा वो भरेगा, और ज़रूरी नहीं कि 100 सिगरेट या 100 वो हो जाए, मरने के लिए एक गोली काफ़ी होती है। और सारा आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, आपके बॉडी पे डिपेंड करता है। और ज़रूरी नहीं कि आप बलि का बकरा बनो, भाई इतने लोगों को देख रहे हो, लाखों लोग इस बीमारी से मर रहे हो, तो क्यों आप देखना चाहते हो, एक्सपेरिमेंट करके देखते होता है या नहीं होता है, जिसे हम सर्जरी में अपने कॉम्प्लिकेशन नहीं दूसरों के कॉम्प्लिकेशन से सीखो। आप उस तरह आप अपना लाइफ को तंबाकू पे इस्तेमाल कर देखें क्या होता है। और आज की डेट में इस महीने की मैं बात करूं, मुझे बड़ा अफसोस होता है, या आज सुबह की बात मैं करूं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक महिला तंबाकू का इस्तेमाल करके, महिला में मुंह का कैंसर, महिलाओं में लंग का कैंसर। भाई बराबरी आप कर रहे हो तो अच्छी जगह पे करो, तंबाकू शराब इन आदतों में एडिक्शंस में मत करो। जब पुरुषों को मुंह का कैंसर, आप महिलाओं को भी हो रहा है, या जरूरी नहीं, ये एक कारण है। और आप अगर आप देखोगे तंबाकू से 90% ओरल कैंसर होता है, 10% इन्फेक्शन से होता है या कोई और कारण से होता है। लत तो देखिए लग जाती है, और मुझे यहाँ पे बैठे बोलना बड़ा आसान है कि भाई तंबाकू छोड़ दो, शराब छोड़ दो, या आपकी जो दूसरे एडिक्शंस हैं, एडिक्शन फ़ोन वाला हो, एडिक्शन इंटरनेट वाला हो, या बड़े अजीब अजीब से एडिक्शंस हैं, पोर्न वाला एडिक्शन हो, या कोई अजीब से एडिक्शंस होते हैं, ये कोई भी एडिक्शंस जो होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं। एडिक्शंस आपने उसकी आदत डाली, आप उसके आदि हो गए हो। यंग एज आप बताइए, ये कोई उम्र है 15 साल 20 साल में, फिर ऑपरेशन सिखाई ये वो, फिर बचा नहीं बचा मरा, क्या इसी के लिए हम इस दुनिया में आए? सारे नौजवानों से, यंग यूथ से, फ्यूचर इंडिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं समिता मिश्रा मेमोरियल फॉर फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च, कैंसर भगाओ प्रफुल्ल जी की तरफ से आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप तंबाकू को हाथ लगाएं तो साथ साथ ये भी देखें कि इससे होता क्या है, हार्ट ब्रेन कैंसर, तड़प तड़प के सांस नहीं लेके आप बिल्कुल आइसोलेट किए जाते हो सोसाइटी से, क्या आपको इस तरह की मौत मरना है? आप देखो कितनी मेहनत से आप पैसा कमाते हो, और होता क्या है, हॉस्पिटल में आप पैसा दे देते हो। आज आप फिट हो, आपकी बॉडी बर्दाश्त कर रही है, जरूरी नहीं है कि यही उम्र यही आपकी जो कैपेसिटी बॉडी बेरिंग ये रहे। कब पलटेगा, कब क्या होगा, वक्त का पता नहीं होता है। तो जो भी मनुष्य तंबाकू का सेवन करता है उसको ये जानना जरूरी है कि उसे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो एनालाइज करे, उन सब को नोट करें और देखें क्या भाई ये अच्छी बात है, क्या भाई मैं तड़प का मरूं बिना ऑक्सीजन के, ये ऐसी मौत तुम्हें पसंद है? क्या आपको कैंसर की दर्दनाक मौत पसंद है? क्या हार्ट अटैक, पैरालिसिस, खास खास के मरना, क्या आपको ये पसंद है? क्या यही एग्जाम्पल आप अपने बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को, नियर एंड डियर वंस को देना चाहोगे? आप एक सोसाइटी में रोल मॉडल हो, आपको देख के कई लोग बनते हैं, क्या आप यही बनाना चाहते हो? ये चीजें अपने जहन में रखना होता है, एनालाइज करना होता है। एक पेपर लो, उस पर लिखो या नोट करो, और बेवकूफ की तरह मत सोचो, अरे जब होगा देखा जाएगा, मरना तो सबको है, तू भी मरेगा मैं भी मरूंगा, लेकिन वक्त से पहले मरोगे। जब भगवान चाहता है कि आप 100 साल की जिंदगी लेके आओ, क्या फायदा 20 25 30 साल में आप आ रहे हो? भगवान चाहता है कि जब तक आप रहो स्वस्थ रहो, और आप चाहते हो कि नहीं मुझे शराब पीना है, रोड के किसी किनारे में गिरे रहना है, गटर के पास गिरना है, उसके बाद आप अपने बच्चों को बीवी को नियर एंड डियर वंस की क्या हालत कर रहे हो,
एक सबके लिए आप एक शो बन रहे हो। जब आप जाओगे लोग आपके पीछे क्या बात कर रहे हैं, क्या आप ये बनना चाहते हो? सोसाइटी में जब आप बन टन के टाई लगा के जाते हो और बाद में आपकी हालत क्या होती है, क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? ये आपको एनालाइज करना है, आपको नोट करना है और बेवकूफ की तरह नहीं सोचना है, अरे जब होगा देखा, इतने लोग पीते हैं खाते हैं, क्या होता है नहीं होता है, मुझे क्या होगा, क्या पता वो क्या कर रहे हैं, आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और आपको। तो ये जो होता है ना, जब भी कोई चीज एज अ स्टूडेंट एज आपको कोई अपनाना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है आपको जज करना है, क्योंकि जो सिगरेट जाएगा, जो धुआं जाएगा, जो तंबाकू जाएगा, जो शराब जाएगा या कोई भी ऐसी लत की चीज आपके शरीर में जाएगी तो नुकसान आपके शरीर को होगा। ये एक ही ऐसा बिजनेस है जिसमें दिवाली का तोहफा होता है मौत, एडिक्शन का तोहफा होता है मौत। तो आपको ये डिसाइड करना है, आपको नोट करना है कि क्या 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 चीजें इसमें होती है। आपको हमने बताया कि जब पहली बार 18 सेंचुरी में निकोटीन का इस्तेमाल, तंबाकू का इस्तेमाल किस लिए किया गया था, इंसेक्टिसाइड, कीड़ों को मारने के लिए। आज कौन मर रहा है? इंसान, हम सब मर रहे हैं। लगभग 15 लाख लोग तंबाकू से मरते हैं हमारे देश में, हार्ट अटैक से, ब्रेन अटैक से, कैंसर से। पूरे वर्ल्ड में ये एक एडिक्शन है। आदमी होता क्या, पहली बार लेता है मजाक के लिए, दिखाने के लिए कि भाई मैं बहुत बड़ा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं तंबाकू भी पी सकता हूं, शराब भी कुछ पी सकता हूं। अब आपको ये डिसाइड करना है, ये जो आदत पड़ी है आपके जहन में, ये चीज रखनी है कि इसमें 700 टॉक्सिन्स हैं, 90 से ज्यादा कार्सिनोजेंस हैं। इसमें रोड का टार भी है, इसमें साइनाइड भी है, जो लोग सुसाइड करते हैं, जो गाड़ी के पीछे जो धुआं निकलता है वो भी इसमें है। जब ये जलता है तो इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री का होता है। जब आप सोचोगे, अपनी अकल को इस्तेमाल करोगे, क्या आप इसका सेवन करोगे? आपको डिसाइड करना है आपके लिए क्या जरूरी है। हिम्मत ए मर्दा मदद ए खुदा कहावत है, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। जब आदमी ठान ले कि मुझे ये करना है तो करना है, जैसे मोदी जी ने ठाना या किसी ने भी ठाना कि भाई करना है तो करना है, भले कितने भी उसके बीच में प्रॉब्लम्स आए, आज हमें ये ठानना है कि हमें ये एडिक्शन की जो भी चीजें हैं, भले वो शराब हो, तंबाकू हो, इनको अपने जिंदगी से निकालना है, एक स्वस्थ जीवन, एक फ्यूचर ब्राइट इंडिया हमें लाना है। कैसे करना है, कैसे इस प्रोटोकॉल को हमारी जिंदगी में लाना है और तंबाकू को कैसे हम अपने जीवन से, शराब के एडिक्शन कोई भी हो, कंप्यूटर एडिक्शन, फोन एडिक्शन हो, पोन एडिक्शन हो, या कैसा भी अच्छा बुरा जो भी एडिक्शन है जो अपनी लाइफ को टैम्पर करता है, उसको अपने जिंदगी से कैसे निकालना है, उसके लिए पहले अपने मन में हो विश्वास कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। जरूरी नहीं कि अभी करें, कि भाई दिन में मान के चलिए मैं आधी बोतल शराब पीता हूं या 100 सिगरेट लेता हूं। पहले हम डेट फिक्स करें कि अगले साल या 6 महीने, 2 महीने, 1 दिन, 15, वो आपके ऊपर है, आपके अंदर जितना विश्वास है उसके ऊपर है। फिर उस डेट को नोट करें और जब वो दिन आए पिसल मत जाना, खड़े रहना अपने इरादे पे। मुझे याद है मेरे फादर स्मोकर थे, मैं 2nd क्लास में था, छुट्टियां थी, मैं आ गया था, कोई मेरे फादर के लिए एक इम्पोर्टेड सिगरेट का बड़ा बॉक्स ला के दिया था। मेरी मदर ने बोला था मुझे कि बेटा तुम एक काम करना, इनके जो मुंह में जो सिगरेट वो निकाल के फेंक देना।
मुझे तो उतनी अकल थी नहीं, मैं गया, मैंने उठाया और मैंने फेंका। मेरे फादर को भी लगा कि नहीं, मेरे बेटे ने फेंका है, तो उन्होंने ये सोचा होगा, क्या क्या सोचा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक उन्होंने दोबारा सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। और जाहिर सी बात है, जब उन्होंने नहीं लगा तो मैं भी नहीं लगाऊंगा। इसी तरह से आपको अपने विश्वास से डिसाइड करना है कि भाई हाँ मुझे करना है, तो आप डिसाइड करें, एडवांटेजेस नोट करें, बेवकूफी ना करें कि भाई क्या ये तो सब पीते हैं, ये होता है वो होता है, देखो कोई नहीं खाता उसको भी कैंसर होता है, वो होता है ये होता है। देखो जो हम कह रहे हैं एक रिसर्च बेस्ड कह रहे हैं, लाखों करोड़ों वर्ल्ड लेवल पे ये करके बोलेंगे भाई इससे आपको नुकसान है, आपके हेल्थ पे ये हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, आप मजाक बन रहे हो। तो आपको वो एनालाइज करके आपको नोट करना है, डेट डिसाइड करनी है कि कब आपको क्या करना है, कब छोड़ना है, फिर उसके बाद उस तक आपको प्रिपेयर करना है। जैसे कभी क्रिकेट खेलते कुछ करते पहले प्रैक्टिस होता नहीं होता है, तो आपको प्रैक्टिस सेशन शुरू करना है। कैसे करोगे प्रैक्टिस सेशन? अगर आप 10 सिगरेट कर रहे हो तो उसको 5 करो। पहले क्या करो, जो हैबिट होती है कि भाई रात में मुझे पीना है या ये करना है, स्किप करो, उसको अवॉइड करो, आधी बोतल को क्वार्टर बोतल करो, 10 सिगरेट को 5 करो, 5 से 3 करो, 2 करो, 1 करो, वो आपको डिसाइड करना कि आपकी क्षमता कैसी और कैसे करना, लेकिन आपको करना है। और सब दोस्तों को बताना है, फैमिली मेंबर्स को बताना, मैंने छोड़ दिया है, ताकि कोई आपको वो ना करे। जहां जहां जैसे कि आपकी आदत है ऑफिस के बाद बाहर जाना, कहीं कोने में जाना, वो जाना, वो चीजों को अवॉइड करें। जब भी किसी शख्स को ये आदत हो जाती है, लत हो जाती है, तो उस तरफ वो पिसलता जाता है। जैसे कि आप किसी को इंटरनेट की हैबिट है, मूवीज देखने की हैबिट है, उसको क्या करना चाहिए, सब कुछ बंद करके वॉक करें या घूमें फिरें, अपने पेरेंट्स से बात करें, दोस्तों से बात करें, बिजी रखें, आइडियल ना रहें, अकेलापन ना रहे, आइसोलेट ना रहे। क्योंकि ये जो अर्ज होता है ये 10-15 मिनट के लिए रहता है, आपको लगता है कि नहीं मुझे करना है, मैं करूंगा, आपको क्या करना है, अपने माइंड को डाइवर्ट करना है उस वक्त को, जहां से आप खरीदते थे, जहां पे आप बैठते थे, जिनके साथ आप पीते थे, जिसके साथ आप स्मोक करते थे, उन जगहों को आपको अवॉइड करना है, कम करना है। फिर फाइनल डे, जब फाइनल मैच का प्रैक्टिस सेशन खत्म, जब फाइनल डे आएगा, तब उस दिन आपको इंप्लीमेंट करना है कि भाई आज से सब कुछ बंद। जाहिर सी बात, जब होटल्स जाते हैं, बॉटल्स देखते हैं, पार्टीज जाते हैं, आपको पता होगा खुद को ये कब आप करते हो, क्यों करते हो। आप फ्री रहते हो तो इंटरनेट देखते हो, या पार्टीज में जाते हो तो अल्कोहल पीते हो, फ्री होता है खूब पीते हो, या कहीं दोस्त ऑफर कर रहा है, दोस्तों के साथ देख रहे हैं, आपको खुद भी छोड़ना है, दूसरों को भी छुड़वाना है। जैसे कि एक अल्कोहलिक एए बोल के है ना, एक ग्रुप बना था, दो लोग थे, एक था इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक बहुत बड़ा रिच मैन, उसने क्या किया, जब देखा कि शराब पी के पड़ा रहता था यहाँ वहाँ, तो उसने एक दिन मन किया कि नहीं मैं इसको छोड़ूंगा, उसने छोड़ दिया। फिर एक बार बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ, डिप्रेशन में चला गया, तो फिर ही वॉज अ क्रिश्चियन, वो गया चर्च और वहाँ पे ना ये किया कि भाई मुझे ये करना, तो उसने बोला कि जाओ, और एक अल्कोहलिक है वो है सर्जन बॉब स्मिथ, उसके पास जाओ। इसने क्या किया, दोनों ने उसको बोला कि वो भी तंग आ गया था कि भाई शराब पीना, ऑपरेशन कम, हॉस्पिटल कम, और नाम उसका बदनाम ज्यादा था, तो दोनों आपस में दोस्ती करके बिल्कुल बोले हम दोनों नहीं छोड़ेंगे। मतलब एक दूसरे को छुड़वाया, एक सोसाइटी बनाई जो वर्ल्ड में फेमस है, और आपको भी क्या करना है, आप भी छोड़े, दोस्तों को भी छोड़े, और एक अपना ऐसा सर्कल बनाए आपस में जो छोड़ रहा है, और देखते जाए कि लोग कैसे मर रहे हैं कैंसर से, कैसे अस्थमा से मर रहे हैं, या कैसे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, कैसे लोग है ना परेशान हो रहे हैं, कैसे हो रहा है। आप चाहोगे कि शराब पी के आप घूम रहे हो, कोई गाड़ी आपके ऊपर से ले जा रही हो, या कोई ऐसा करेगा आप गाड़ी चला रहे हो, 2-4 लोगों के ऊपर से आप ले जा रहे हो, भाई ये तो नहीं है ना, ना मरना है ना मारना है ना। पता चला आप अड़ोगे बाद में, फिर बोला अरे मैं तो
क्योंकि पता है जब भी आदमी एडिक्शन करता है, भले वो चरस हो, गांजा हो, अल्कोहल हो, या सिगरेट में टबैको के साथ मिक्स करके कोई लेता हो या कुछ भी करता, तो आसमान में रहता है, उसको लगता है कि मैं कुछ भी कर रहा हूं, मानो कि मैं शराब पी के ऑपरेशन करने जाऊंगा, क्या होगा? या माने कि आप मैं ये कर रहा हूं कि गाड़ी चला रहा हूं, खुद भी मरोगे, लोगों को भी मारोगे। ये चीजें आपके जहन में लाके आपको ये करना है कि भाई मुझे छोड़ना है। आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप भी इसी तरह के सर्कल बना के जो फ्रेंड्स जिन्होंने छोड़ा है उनको भी आप अपने साथ मिंगल करें, मिक्स करें। और फिर कई बार आप पिसलने वाले होते हो, याद रखें, फिर अपनी डायरी में देखें कि मैं क्यों छोड़ रहा था, क्या एडवांटेजेस थे, मुझे क्या फायदा हो रहा। आप देखिए, कोई बंदा तंबाकू छोड़ता है तो होता क्या है, एक महीने के अंदर उसका ब्लड अच्छी तरह से सर्कुलेट करने लगता है, 3-4 महीने के बाद उसको दम आना कम होता है, उसकी जो सूखी खांसी वो सब बंद हो जाती है। फिर आप देखिए, उसका ब्रेन स्ट्रोक होने का 5 साल के अंदर कम हो जाता है, उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो जाते हैं, कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्या क्या फायदे हैं, ये सब चीजें आप देखिए। ये जो लत है ऐसे छूटेगी नहीं, आपको छोड़ना है, छुड़वाना है, अपने आप को बचाना है। आपको क्या करना है, आपको आपने देखा होगा हनी सिंह, नाम सुना होगा, ऐसे ऊंचाई पे था, और आपने ये भी सुना होगा कि ये क्या हुआ है, कैसे हो गया इतना बड़ा नाम, इतना उसके साथ वाले दोस्त कहां पहुंच गया, और वो देखो कहां से कहां आ गया। एक एग्जाम्पल है एडिक्शन की। कैसे डी एडिक्शन, तो इसके लिए आप क्या ऐसे बनना चाहोगे, क्या आप कुछ और, आपको अपनी जिंदगी को आप अपने कैरियर से इतने जली में हवा के तरह मिटना चाहते हो? तो मैं चाहूंगा कि आप इसको छोड़ना है, भले ही आपको बहुत सारी चीजें बदलनी पड़े, बहुत मशक्कत करने पड़े, जैसे आप ये करोगे डिप्रेशन में आ जाओगे, जैसे आप ये करोगे आपके हाथ कांपने लगोगे, आपको रातों में नींद नहीं आने लगेगी, क्योंकि ये विड्रॉल सिम्टम्स हैं इसके। नींद नहीं आएगी, कांपने लगोगे, आप अपना काम ठीक से नहीं करने लगोगे, आप परेशान हो जाओगे, आपको लगेगा कि भाई अब मैं मरने वाला हूं, क्योंकि बॉडी से कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं, और यही हार्मोन्स अगर आप एक्सरसाइज करोगे तब भी निकलेंगे, आप अपने आप को फिट महसूस करोगे, तो आपको चाहिए कि आप एक्सरसाइज करें कॉम्पेंसेट करने के लिए, अपने बॉडी में वो हार्मोन्स को बनाने के लिए। वॉक करो और फिर अपने अचीवमेंट के बारे में टॉक करो, बोलो कि मैंने छोड़ा, मैंने ये किया, वो किया, ऐसे किया, सब कर सकते हैं क्या ये किसी की, मतलब अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो जब आपका 1 साल हो जाए मैंने छोड़े हुए। और डिप्रेशन से आपको डील करना है, कई बार आपको साइकोलॉजिकल ये हो सकता है, जैसे कि मैं बात, 2 दिन पहले मैं एक ऑपरेशन कर रहा था, पेशेंट का ऑपरेशन बहुत बढ़िया हो गया, दूसरे दिन पेशेंट ने बोलने लगा कि मुझे टीवी में कुछ दिखने लगा है, सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं बोला ये क्या हुआ क्या है, फिर मुझे मैंने पूछा आर यू एन अल्कोहलिक, बोला हाँ, तो मुझे समझ में आया कि विथड्रॉल सिम्टम्स है, ये ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब फिर आपको डॉक्टर की सपोर्ट लेनी है, डॉक्टर से हेल्प लेनी है, वो आपको गाइड करेंगे, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनका हेल्प लें आप। जब भी आपको लगे कि आपके अंदर कोई भी ऐसा मन कर रहा है, आप अपने साइकेट्रिस्ट से बात करें, मन बनाएं। फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं जिनकी एडिक्शन बहुत ज्यादा होती है, उनको वहां पे रखा जाता है, फिर एक नया रूटीन शेड्यूल बनाया जाता है, उनको उसमें ये किया जाता है। वो मैक्सिमम एक्सटेंट, जबकि आदमी ऐसे कुछ काम कर रहा है अपनी लाइफ को या दूसरों की लाइफ को अगर डेंजर में डाल रहा है, तब उनको करना चाहिए रिहैबिलिटेशन के लिए, ऐसा मौका आने ही ना दे। देखो, ये हैबिट डालने वाले भी आप हैं और छोड़ने वाले भी आप हैं। और काफी मेडिसिंस आते हैं, जैसे निकोटीन के लिए टैबलेट्स आते हैं, या वो सारी चीजें आपको लेना है, अपने आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली करके फाइनली आपको इस आदत को छोड़ना है। अगर इसको आप कर पाए तो हमारा मिशन, प्रफुल्ल जी का मिशन, हम सबका मिशन, स्वस्थ भारत का मिशन, ये पूरा होगा। हमारी जो मेहनत है आप तक इस बात को पहुंचाने की, ये होगा। तो इसलिए आप पहले तो इरादा करें, हिम्मत करें,
काम को अंजाम दें, जब भी आपको हेल्प लगे आप डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से, फैमिली मेंबर्स से, उनका भी सपोर्ट बहुत होता है, पीयर पार्टनर, वाइफ है, आपके सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करें, अपनी भी लाइफ बचाएं, दूसरों की भी लाइफ बचाएं। एडिक्शंस जितना आसान उनको उतना ही मुश्किल है इसको। कहते हैं कि तो डी एडिक्शन इज नॉट पॉसिबल, बट यू कैन मेक इट पॉसिबल। इम्पॉसिबल मिशन मेड पॉसिबल बाय आवर सेल्फ, बाय आवर विल पावर एंड बाय अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। तो हमें छोड़ना है, बस छोड़ना है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई ये तो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन था, जिससे हमें उम्मीद है कि हमारी नौजवान पीढ़ी, खास तौर पर यंग बॉयज, टीनेजर्स, जो ये नशे गुटके की आदत डालते हैं, वो ज़रूर लाभ उठाएंगे। कल आपसे फिर भेंट होगी, हमें ज्वाइन कीजिएगा कार्यक्रम कैंसर भगाओ में। नमस्कार। कैंसर से जुड़े किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र है 9971977888। अपनी समस्याओं को आप हमें ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है cancerbhagao@gmail.com, या हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 9289855855। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च, B2B/10 धर्म मार्ग, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058। टेलीफोन नंबर 011-4610-5143।